सुप्रभात बच्चों, मैं कैथोलिक मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल झाबुआ से ज्योति सोलंकी। आज हम कक्षा 7 का संस्कृत विषय का सप्तम पाठ पढ़ेंगे। सप्तम पाठ जो कि हमारा भोपाल नगर, आप सभी जानते हैं भोपाल नगर के बारे में। हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। तो वैसे तो आप जानते हैं भोपाल नगर के बारे में, तो हम इस पाठ के द्वारा और पढ़ेंगे। उससे पहले हम कुछ शब्दार्थी जिनको पढ़ेंगे। स्कूटर यानी स्कूटर्स, वैशिष्ट्यम विशेषता, कुर्मनेव करते हुए, विस्मृत्य भूल कर, वायुयान स्थानकम हवाई अड्डा, अवतीर्य उतर कर, दर्श्यामि दिखाता हूँ, अतरस्थ यहाँ का, इत्यथम ऐसा, रसगोलानी रसगुल्ले। अब ये जो पाठ है ये एक संवाद है, जिसमें दो मित्र आपस में भोपाल नगर के सौंदर्य के बारे में, वहाँ की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो हम इस पाठ के द्वारा विस्तृत में जानेंगे। सप्तम पाठ भोपाल। संदीपः स्कूटर याने मार्गे गच्छन् सुनीलं पश्यति। संदीप स्कूटर से जाते हुए रास्ते में सुनील को देखता। ततः स्कूटर यानात् अवतीर्य सुनीलस्य समीपं गच्छति पृच्छति च। तब वह स्कूटर से उतरकर सुनील के पास जाता है और पूछता है। अब आगे क्या पूछता है ये हम संदीप और सुनील की बातों को पढ़ेंगे। संदीप कहता है, भो सुनील त्वम अत्र किं करोषि, कहता है अरे सुनील तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सुनील, हे संदीप अहम अस्य सरोवरस्य सौंदर्यं पश्यामि। अरे संदीप मैं यहाँ सरोवर के सौंदर्य को देख रहा हूँ। संदीप, मित्र अयम सरोवर अस्ति, वो कहता है कि मित्र ये सरोवर तो हमारे भोपाल नगर की विशेषता है।
गति और सरोवर में नौका विहार करते हुए हम इसके सौंदर्य को बढ़ाते हैं या इसका सौंदर्य दुगना हो गया है। वर्षा काले तू नगरस्य हरि इमा दृष्ट्वा नगरवासिनः पर्वतीय स्थानानि हिल स्टेशन इति विस्मृत्य अत्रैव रमन्ते। वर्षा काल के समय मतलब बारिश के समय तो नगर की हरि इमा अर्थात हरियाली देखने लायक होती है और नगरवासी हिल स्टेशन आदि को भूल करके यहीं बस जाते हैं जो देखने आते हैं। अस्य नगरस्य प्राकृतिकं सौंदर्यं दर्शनीयम्। इस नगर का प्राकृतिक सौंदर्य भी देखने लायक है। मयूर उद्यानम, नेहरू उद्यानम, चिनार उद्यानम, बालो उद्यानम, वन विहारः च नगरस्य प्राकृतिक शोभां संवर्धयन्ति। मयूर उद्यान, नेहरू उद्यान, चिनार उद्यान और बाल उद्यान
कहता है कि उद्योग क्षेत्र के लिए भी ये नगर क्या है, प्रसिद्ध है। अश्विनी नगर एक महत् विद्युत संपन्न संयंत्र स्थापित। इस नगर में एक बहुत बड़ा विद्युत संयंत्र भी स्थापित है। इतर संयंत्र एवं भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड इति नामना प्रसिद्ध अस्ति। जो कि जो संयंत्र है वो क्या है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स के नाम से प्रसिद्ध है। भोपाल नगर से समीपे मंडी द्वीपम स्थानम औद्योगिक नगरम इति प्रसिद्ध अस्ति। भोपाल नगर के पास ही मंडी द्वीप स्थान जो है वो औद्योगिक नगर के नाम से प्रसिद्ध है। भारत भवनम अत्रस्थम विश्व प्रसिद्ध कला केंद्र अस्ति और भारत भवन नाम से प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध कला केंद्र भी यहाँ पर है। नेहरू क्रीड़ांगणम नगरवासिनम क्रीड़ानुरागम दर्शयति और नेहरू स्टेडियम यहाँ के नगरवासियों के क्रीड़ा प्रेम को भी दर्शाता है। आंचलिक विज्ञान केंद्रम नगरस्य महत्व सूचयति और आंचलिक विज्ञान केंद्र नगर के महत्व को भी सूचित करता है। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय अपि अत्र विद्यते और इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भी यहाँ पर विद्यमान है। प्रारंभिक शिक्षायां केंद्र अपि अस्मिन् नगरे अस्ति और प्रारंभिक शिक्षा केंद्र भी यहाँ नगर में ही है। गांधी नगरे राजा भोज वायु यान स्थानकम अपि अस्ति और राजा भोज वायु स्थानकम अर्थात राजा भोज हवाई अड्डा भी यहाँ पर है। सुनील संदीप अहर्चा भ्रमंतो तात्या टोपे नगरम आवे। सुनील और संदीप घूमते हुए तात्या टोपे नगर आते हैं। सुनील रे संदीप, अरे संदीप इदं तु किमपि रोचक स्थानं दृश्यते। यहाँ पर कौन सा रोचक स्थान दिखाई दे रहा है? संदीप नगरस्य सर्वेषां प्रिय स्थानं भट्टं च न्यू मार्केट इति अस्ति। ये नगर का सबसे प्रिय स्थान हाट बाजार न्यू मार्केट है। अत्र अवाल आवाल वृद्धा स्वमनोरंजनार्थम आवश्यक वस्तुनी कैत्रुं च आगच्छन्ति। यहाँ बच्चों से लेकर बूढ़े तक सबके मनोरंजन की और आवश्यकताओं की वस्तुएं यहाँ आकर वो आते हैं और खरीदते हैं। आवाम अपि मधुराणी रसगोलकानि कृत्वा खादाम। आओ हम भी मीठे रसगुल्ले खाते हैं। सुनील शोभनम अस्ति भोपाल नगरम। सुनील क्या कहता है, भोपाल नगर बहुत ही शोभनीय है, बहुत ही सुंदर है। तो बच्चों ये हमने भोपाल नगर के विशेषताओं के बारे में जाना कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, वहाँ क्या है, वहाँ की विशेषता क्या है, ये सब हमने पढ़ा। अब आगे इसके अभ्यास प्रश्न जो है हम पीडीएफ के द्वारा करेंगे। आपको इस पाठ को पढ़ना है, इसका हिंदी अनुवाद करना है और भोपाल नगर को याद रखना है।